उसके बाद हमारी आती है इंटरलोबार आर्टरी। ये है हमारी इंटरलोबार आर्टरी, ये जो डिवाइड हो रही है। इंटरलोबार आर्टरी के बाद हमारी है आर्क्यूएट आर्टरी, ये जो ऊपर जा रही है ना ऐसे ऐसे, ये है हमारी आर्क्यूएट आर्टरी। आर्क्यूएट आर्टरी फिर डिवाइड होती है, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये वाले देख रहे हैं आप हिस्से, ये बारीक बारीक, इसे कहते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरी। आर्क्यूएट आर्टरी देन डिवाइड इनटू इंटरलोब्यूलर आर्टरी, पहले था इंटरलोबार और लोबार, इस जगह इंटरलोब्यूलर आर्टरी। इंटरलोब्यूलर आर्टरी फिर हमारे पास कहाँ जाएंगी, एफरेंट आर्टरियोल्स में। अच्छा, इसकी ब्लड सप्लाई और ब्लड सप्लाई से डिफरेंट है, क्योंकि हमें पता है आर्टरीज के बाद कैपिलरीज आती हैं और कैपिलरीज के पास बाद क्या आता है, वीन आती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसके बाद है आर्टरीज, आर्टरीज के बाद आर्टरियोल्स, वी कैन से दैट इट इज अ कैपिलरीज बिकॉज इट इज अ स्मॉलेस्ट आर्टरी। तो एफरेंट आर्टरियोल्स में जाएगा, एफरेंट आर्टरियोल्स के बाद ये जाएगा ग्रूमुलस। ग्रूमुलस हम किसे कहते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को कहते हैं, सही है, मतलब एक कैपिलरीज का गुच्छा हो उससे हम कहते हैं ग्रूमुलस। उसमें जाएगा, अच्छा ये जो एफरेंट आर्टरियोल है ना, एफरेंट आर्टरियोल में जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो ब्लड है ना वो मतलब वीन में जाएगा, लेकिन जो ग्रूमुलस का क्या फंक्शन है, मतलब ग्रूमुलस एक अनदर टाइप है कैपिलरीज की, तो उसका क्या फंक्शन है, उसका फंक्शन है, अच्छा देखें, जो एफरेंट आर्टरियोल का फंक्शन है वो तो ये है, मीन्स